वीडियोस, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज पर। गढ़चिरौली जिले की फिर से एक खबर लेकर आपके सामने पहुंचा हूं। गढ़चिरौली जिले का धान घोटाला जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे संजय मीना, उन्होंने अपना ही एक आदेश, जिस दिन उनका तबादला होता है उसी दिन उन्होंने वह आदेश वापिस ले लिया। तत्कालीन गढ़चिरौली के कलेक्टर संजय मीना का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल की खबरें या उनकी जितनी भी अभी हमने डॉक्यूमेंट स्टडी किए है, उसमें धान घोटाले में सबसे बड़े आरोपी संजय मीना जो तत्कालीन कलेक्टर हुआ करते थे गढ़चिरौली के, वह भी उतने ही दोषी हैं जितने यह राइस मिलर्स और आदिवासी विकास महामंडल के आला अफसर हैं। आपको बता दूं कि पिछले बार ब्रह्मपुरी पुलिस ने पुलिस स्टेशन की जो सीमा है उसके भीतर महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास निगम उपक्षेत्रीय प्रबंधक गढ़चिरौली के बेड़गांव गोदाम से दो ट्रक में सरकारी धान परिवहन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, जिसके चलते संबंधित चावल मिलर्स का अनुबंध रद्द करने का आदेश भी संजय मीना ने ही पारित किया हुआ था। स्पष्टीकरण देने के 2 साल बाद तत्कालीन कलेक्टर संजय मीना ने अपना ही आदेश उस समय वापस लिया जब उनका तबादला उस जिले से कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह जो पूरा मामला है उसमें हमने जो जानकारी इकट्ठा की उसके तहत चंद्रपुर शाखा के ब्रह्मपुरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ब्रह्मपुरी देसाईगंज रोड पर पुलिस द्वारा 2 वाहनों को धर दबोचा गया था, जिसमें वाहन क्रमांक MH40AK6995 और दूसरा जो वाहन था, ट्रक जो दूसरा था, उसका नंबर था MH04FC0306 और उनके वाहन पास की जांच की गई तो महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास निगम का यह माल, जो गढ़चिरौली जिले का जो TDC का धान था, वह उसमें पाया गया था। बेलगांव TDC कोरची जिला गढ़चिरौली से यह धान उन ट्रकों में लादा गया था और यह धान लक्ष्मी राइस मिल तलोधी, जो कि चामोर्शी जिला गढ़चिरौली में आती है, उनका यह धान था। हालांकि उक्त दोनों वाहन जो ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पाए गए और ड्राइवर के बयान के द्वारा पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि यह जो ब्रह्मपुरी की देवी का राइस मिल ब्रह्मपुरी है, वहां ले जाया जा रहा था। तत्कालीन कलेक्टर संजय मीना ने 3 नवंबर 2023 को लक्ष्मी राइस मिल तलोधी को वजह बताओ नोटिस जारी किया हुआ था और उस नोटिस का सही तौर पर जो तत्काल जिलाधिकारी संजय मीना थे उनको असंतोष भरा जवाब मिला, जिसके द्वारा जब जांच की गई और जो जांच समिति द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी उसके हिसाब से उनकी जो जांच में जो दोषी पाए गए थे लक्ष्मी राइस मिल, उनका जो लगभग लक्ष्मी राइस मिल का 2 साल के लिए मार्केटिंग फेडरेशन और आदिवासी विकास महामंडल का जो एग्रीमेंट था उसे 2 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। 2022 और 2023 के दोनों वर्षों के लिए उनका जो एग्रीमेंट अनुबंध हुआ होने वाला था उसे उन्होंने रद्द करने का तत्कालीन कलेक्टर संजय मीना ने आदेश जारी किया था। लेकिन जिस दिन संजय मीना जिले से तबादला होकर बाहर गए उसी दिन उन्होंने 11 मार्च 2024 को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें उनके कार्यालय का जो पत्र था उसके हिसाब से उन्होंने एक आदेश जारी किया कि यह जो राइस मिलर है इनको लगभग हमेशा की तरह इनको फिर से अपने यहाँ कार्यरत किया जाए और उस जो लक्ष्मी राइस मिलर है उन्हें फिर से CMR का काम देने का काम किया गया। गढ़चिरौली जिले के अभी के जो संजय दैने जो जिलाधिकारी है उन्होंने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच करने के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का उन्होंने एक आदेश जारी किया हुआ है। यह जो पूरा मामला मैंने अभी आपको बताया, यह जो पूरा मामला जो था, यह अब पूरा मामला अभी के जो कलेक्टर है दैने इस संबंध में अब क्या बहुत ठोस कदम उठाते हैं, यह एक जांच का विषय बना हुआ रहेगा।
दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें, बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।